क्लास टेन के बच्चे ध्यान दे रहे हैं। अभी हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं अनुवंशिकता, उसमें हम मेंडल के तीनों नियमों को पढ़ चुके हैं। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वह है अपूर्ण प्रभाविता। देखिए इसमें अपूर्ण प्रभाविता क्यों लिया गया। जब मेंडल ने पूर्ण प्रभाविता का नियम प्रतिपादित किया था तो इनके नियमों को गलत साबित करने के लिए कार्ल कोरेंस ने किया क्या कि उन्होंने मेरे बिना जलाता नामक पौधे पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने एक लाल पुष्प वाले और एक सफेद पुष्प वाले मेरा बिना जलापा पौधे के विपरीत जनकों के बीच संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि यवन पीढ़ी में जो भी पौधा प्राप्त होता है वह गुलाबी रंग के पुष्प वाला होता है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि मेंडल के प्रभाविता का नियम हर जगह सही नहीं हो सकता है। ठीक है, अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि मेंडल के पूर्ण प्रभाविता का नियम सभी जगह लागू नहीं होता है, वह कहीं न कहीं डिसयूज भी हो जाता है। तब अपूर्ण प्रभाविता के नियम का प्रतिपादन हुआ। देखिए उन्होंने किया क्या, एक लाल पुष्प वाले पौधे को लिया तथा एक सफेद पुष्प वाले पौधे को लिया। अगर हम यहाँ चाहें तो डब्ल्यू को छोड़कर हम आर आर भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। जब उन्होंने यवन पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच पुनः संकरण कराया तो इन्होंने पाया कि यवन पीढ़ी में चार पौधे प्राप्त होते हैं जिनमें से एक पौधा लाल तथा दो पौधा गुलाबी रंग का तथा एक पौधा सफेद रंग वाले पुष्प वाला होता है। अर्थात इनका जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात दोनों बराबर होता है। ठीक है, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात बराबर होता है। ठीक, तो गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हुआ। जब उन्होंने यवन पीढ़ी में पौधा प्राप्त किया तो उन्होंने देखा चार पौधे प्राप्त हो रहे थे जिनमें से दो पौधों के पुष्प का रंग गुलाबी तथा एक पौधे के पुष्प का रंग लाल तथा एक पौधे के पुष्प का रंग सफेद हो रहा है। देखिए
ठीक, जीनोटाइप फिनोटाइप और जीनोटाइप के बाद दोनों सेम ही है, 1:1:1। देखिए यह देखेंगे तो बाहर से लाली दिखाई देगा, ये दो नेत्र तो गुलाबी दिखाई देगा, और ये तो सफेद दिखाई देगा। अब यदि जीन की बात करेंगे तो यह हमारे आधार कैपिटल वाला आर वाला है, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला है, तथा ये दोनों और ये दोनों स्मॉल आर वाला है, तो हो गया 1:2:1। ये था आपकी प्रभाविता का नियम। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा रुधिर वर्ग की वंशागति। अगला टॉपिक हमारा वंशागति। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि मानव में जो रुधिर वर्ग होते हैं उनका उनकी संतानों में किस तरह से वंशानुगत होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो मानव रुधिर वर्ग है वो तो हमने बता दिया है चार प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी तथा ओ। अब हमें इनके जीन के बारे में जानना होगा, तो इनके इनमें जो जीन होते हैं रुधिर वर्ग के पूरे 6 जीन होते हैं, और वो देखिए लिखा है जैसे ए का हो गया, बी का, ए बी का और ओ का। जो ए का है ए के पास 2 जीन, बी के पास 2 जीन, ए बी के पास 1 तथा ओ के पास 1। ए के पास क्या होता है आई ए, आई ए तथा आई ए आई ओ। बी के पास आई बी तथा आई बी आई ओ। अब ए बी के पास आएंगे तो आई ए आई बी, ओ के पास आएंगे तो आई ओ। ठीक, ये हमारे रुधिर के पूरे जीन है। अब इसके बाद हमें यह देखना होगा कि कैसे रुधिर वर्ग का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से, दिया रहेगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ओ है यदि उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका जिसका रुधिर वर्ग ए बी है तो
आने वाले संतानों में वृद्धि वर्ग में वंशागति बताइए। तो आपको बता दें, लिखे मनुष्य में दो लिंग होते हैं, एक नर तथा एक मादा। एक नर तथा मादा। नर के पास जो प्रसूत होता है एक्स वाई तथा मादा के पास जो प्रसूत होता है एक्स। ठीक। अब नर का देखिए दिया है एक व्यक्ति जिसका गृह वर्ग ओ है, ओ का चिन्ह क्या है आई ओ, आई ओ रख लीजिए, आई ओ आई ओ। तथा उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका गृह वर्ग ए बी है। अब ए बी का चिन्ह देखिए आई ए आई बी। ठीक। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं क्या होगा एक्स आई ओ एक्स आई ए। ठीक। दूसरा क्रॉस कराते हैं क्या होगा एक्स आई ओ एक्स आई बी। ठीक। आगे लेते हैं एक्स आई ए वाई आई ओ। ठीक। अगला लेते हैं एक्स आई बी वाई आई ओ। ठीक। देखिए अब हम यहां से अगर हम जीन को मिलाए, देखिए सबसे पहले आई ओ आई ए है, इसको आई ए आई ओ भी लिख सकते हैं। तो एक इसका जीन है ए का, यानी यह गृह वर्ग क्या है ए। अब अगला देखिए आई ओ आई बी है या आई बी आई ओ है, तो इसमें आएगा बी में, ये गृह वर्ग बी है। अगला देखिए एक्स आई ए अगर वाई आई ओ, यानी आई ए आई ओ एक्स में आ गया ए में। फिर आई बी और आई ओ किसमें आ गया बी में। अगर हम देखें तो एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक लड़की और एक लड़के के पास रुधिर वर्ग ए है तथा एक लड़की और एक लड़के के पास रुधिर वर्ग बी है। एक्स एक्स है तो यह पुत्री होगी, एक्स एक्स है तो यह पुत्री होगी, एक्स वाई यानी पुत्र, एक्स वाई यानी पुत्र। ठीक। तो यह है रुधिर वर्ग की वंशागति। एक सवाल को आप लोग हल करिएगा, हम सवाल देते हैं एक व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ए है, यदि उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका रुधिर वर्ग बी है, तो उनके आने वाले संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति बताइए। जरूर इसको करके हमको बताइएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ठीक है, हमें इसमें यह पढ़ना है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आप सभी लोगों ने गांव में अपने घरों के आसपास लोगों के मुंह से, बुजुर्गों के मुंह से यह सुना होगा कि लड़का या लड़की या पुत्र या पुत्री का पैदा होना या जन्म लेना भगवान का देन है या ग्रह नक्षत्रों की क्रिया विधि है। बट ऐसा नहीं होता है, यह होता है मनुष्यों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के कारण। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैकलंग, इन्होंने सन 1902 ईस्वी में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद प्रस्तुत किया तथा इन्होंने बताया कि जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण है यह भगवान की गति या ग्रह नक्षत्रों की गति के कारण नहीं होता है, बल्कि यह मनुष्यों में उपस्थित लिंग गुणसूत्र के क्रियाविधि से होता है। इन्होंने बताया कि मनुष्यों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र तथा दूसरा लिंग गुणसूत्र। इन्होंने बताया कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उन्हीं की क्रियाविधि के माध्यम से पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। इन्होंने यह बताया कि यदि पिता से यक्ष तथा माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो आने वाला संतान पुत्री होती है, तथा यदि पिता से वाई तथा माता से यक्ष गुणसूत्र प्राप्त होता है तो आने वाला संतान पुत्र होता है। तो आइए हम उसी को एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारे पुरुष जी है, ये पुरुष और इधर महिला। ठीक, इसके पास गुणसूत्र है एक्स वाई, इसके पास गुणसूत्र है एक्स एक्स। ठीक, अब एक्स को एक्स से मिलाएंगे तो एक्स एक्स। ठीक, एक्स को एक्स से मिलाएंगे तो यक्ष यक्ष। ठीक, अब वाई को यक्ष से मिलाएंगे तो एक्स वाई। अब फिर वाई को यक्ष से मिलाएंगे तो एक्स वाई। ठीक है, देखिए इन दोनों का जो गुणसूत्र है महिला के गुणसूत्र से मिल रहा है तथा ये जो दोनों गुणसूत्र है ये पुरुष के गुणसूत्र से मिल रहे हैं, अर्थात ये दोनों पुत्री हैं तथा ये दोनों पुत्र हैं। तो ये है मनुष्य में लिंग का निर्धारण। आज आपका यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप लोग पढ़ते रहिए, अगला चैप्टर हम फिर से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।